गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। योगी मंत्रिमंडल में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा को स्वतंत्र प्रभार मिलने पर उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल। गाजीपुर उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा का नाम सुनकर सभी राजनीतिक पंडित चौंक गए थे। वाराणसी के BHU से उच्च शिक्षा हासिल कर दयाशंकर वर्तमान में DAV कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है। दयाशंकर के योगी सरकार के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार मिलने पर उनके पैतृक गांव गाजीपुर जनपद के खानपुर थानांतर्गत सिद्धौना गांव में जश्न का माहौल है। शनिवार की शाम गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने दयाशंकर से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दिया और उत्सव में डूब गए। देर शाम गांव के सिद्धेश्वर महादेव धाम पर सैकड़ों की संख्या में जुटे गांव वालों ने भव्य दिव्य महाआरती का आयोजन कर पूरे गांव में मिष्ठान वितरित किया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिनको मैं विगत कई वर्षों से बनारस की राजनीति में देखा हूं, मर्यादित कर्मठता, अनुशासित दृढ़ता और संतुलित भावुकता के प्रतीक को मोदी और योगी ने एक साथ संयुक्त रूप से पहचाना और गाजीपुर के विकास के लिए उनको मंत्री में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बना करके जो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पूरे पूर्वांचल का विकास होगा जो आज तक नहीं हुआ है। और मैं अपने गांव की तरफ से उनको एक बार नहीं सत बार जो है शुभकामना और बधाई देता हूँ और नौजवानों का साथ देने का उनको विश्वास देना। मैं सिद्धौना ग्राम निवासी राम भरत सिंह पूरे गांव सभा की तरफ से शुभकामना डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी दयालु को देना चाहता हूं। आपसे पूरे क्षेत्र को, जनपद को एक अभिलाषा है, एक आशा है कि किरण आप हैं जो पिछड़े हुए जनपद को आप अग्रसरी कर सकते हैं। और जहां तक गाजीपुर जनपद में शून्य विधायक हो गए थे, उसकी पूर्ति आपने किया है पूरे पूर्वांचल के लिए। और आपका सहयोग, आपका योगदान, आपकी कर्मठता, आपकी ईमानदारी पूरे प्रदेश में यशस्वी बन करके फैले। हम सभी ग्रामवासी आपके भविष्य की कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि आप इसी भी ऊंचे पद पर अपने भविष्य में बढ़े और यही हमारी शुभकामना है। हमारे गांव की इतना भाग्य है कि कर्मठ हमारे दयाशंकर मिश्रा आज एक दिन हमारे गांव में ऐसा उत्साह पड़ते, हर बच्चों को यह उत्साह हो गया कि बड़े भाग्य की बात है एक हमारे गांव में मिनिस्टर हुए, हमारे गांव का विकास हो और जिस कर्म भूमि में वो है उसका विकास हो। हम कहते शंकर भगवान की जय, सदा वो बढ़ते रहे। हाँ, आज बहुत गौरव का विषय है हमारे गांव के लिए, जिले के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। हम लोग जिस कर्मठ और योग्य व्यक्ति को आज अपने बीच में योगी जी और मोदी जी के सहयोग से एक मंत्री पद के रूप में पाए हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदमी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ अपने गांव के समुचित विकास के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे। और हम भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके लिए मांगते हैं। हम उनको क्या आशीर्वाद है, उनको तो स्वयं भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप भोलेनाथ में लगवा दिए टाइल्स का काम शुरू किए, भगवान ने उनको मंत्री पद दे दिया। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार बोलिए भगवान शंकर।